बरेली जंक्शन पर, और यहाँ पर अभी श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी की गई है। एडीजी अविनाश चंद ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अहमदाबाद से बरेली स्पेशल ट्रेन अभी पहुँची है, करीब 4 घंटे विलंब से पहुँची है और इसमें 1213 पैसेंजर्स हैं जिसमें बच्चे, महिलाएँ और सामान्य नागरिक हैं, और इनको जो है 43 जनपदों में जाना है। 38 बसें लगाई गई हैं, सबकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखा है प्रशासन ने और पुलिस ने, और हर चीज़ बड़ी स्मूथली चल रही है। इनके बसों में इनके लिए खाना पानी सब चीज़ें दी गई हैं, और जिसकी तबीयत ख़राब है उसको दवा वगैरह भी दे करके आने के बाद बहुत ही स्मूथली ट्रांजिशन हो रहा है। वही देखने में खुद आया था क्योंकि कल भी एक ट्रेन आने वाली है और उसके बाद हो सकता है रेगुलर इंटरवल्स पर ट्रेन आए, तो व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। सर, इन लोगों को जो यात्री आए हैं क्वारंटीन किया जाएगा या फिर इन्हें घर भेजा जा रहे हैं? नहीं, ये होम क्वारंटीन किया जाएगा 21 दिन का, ये अपने घर इनको भेज दिया जाएगा, लेकिन सबका एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार सब कुछ नोट किया जा रहा है, और उनके ऊपर आशा कार्यकर्ती जिस गाँव में मोहल्ले में जाएंगी वहाँ पर इनके ऊपर निगाह रखी जाएगी, निगरानी रखी जाएगी, और किसी की तबीयत अगर ख़राब होती है या कोई दिक्कत आती है तो फिर उनका फॉलो अप एक्शन जो SOP उसके साथ होगा।